पहले बात करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान की। वजीर आजम की जेर सदारत सूबाई ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के सीनियर अफसरान का इजलास। वजीर आला उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब ने इजलास में शिरकत की है। मुआवन खसूसी बरा इत्तला फिरदौस आशिक अवान, जुल्फिकार बुखारी ने भी शिरकत की है। मजीद आपको बताते चले कि 60 की दहाई में गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसीज की मिसालें दी जाती थी। वजीर आजम ने यह भी कहा, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, मौशी इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है, मौशियत मुस्तहकम हो रही है, जबकि अपनी मौशी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये भी कहा गया है वजीर आजम की जानिब से कि ब्यूरोक्रेसी और दीगर अहदों पर तैनातियाँ मेरिट पर की गई हैं। दौरे हुकूमत ने अफसरान को हर किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद किया है। सियासी शख्सियत का कोई भी नाजायज काम हरगिज़ नहीं करना। मौशी तरक्की के हवाले से काबिल ब्यूरोक्रेसी का बहुत अहम किरदार है। इसी हवाले से जानते हैं कजाफी भट्ट से। कजाफी भट्ट बताइएगा। जी बिल्कुल जी, वजीरे आला ने आला ब्यूरोक्रेसी वजीरे आला के साथ जो एक मीटिंग इस वक्त थोड़ी देर पहले की, उसके अंदर उन्होंने तमाम मामलात के ऊपर तफसीली बातचीत की। वजीर आजम ने नई तैनातियों पर अफसरान को मुबारकबाद भी दी और वजीर आजम ने इनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और इसके लिए मुआशी इस्तेहकाम जो है वो जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी और दीगर अहदों पर जो इस वक्त तकर्रियां की गई हैं वो मेरिट पर की गई हैं और हमने अपने दौर में हुकूमत में अफसरान को हर किस्म के सियासी दबाव से आजाद किया है और अब सबने काम मेरिट पर करने हैं और किसी भी शख्सियत का कोई भी नाजायज काम जो है वो हरगिज़ नहीं किया जाना चाहिए। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अमनो अमान और गुड गवर्नेंस के लिए पंजाब में बेहतरी लाने की जरूरत है और नए पाकिस्तान में पुराने माइंडसेट को जो है वो तब्दील किया करना होगा और पुराना निज़ाम जो है अब नहीं चलेगा। वजीर आजम ने तमाम लोगों पर इस बात पर जोर दिया कि गरीब आवाम की बेहतरी के लिए जो है वो इकदाम उठाए जाए और खसूसन थानों के अंदर जो है वो गरीब आदमी को ताकतवर के खिलाफ जो है वो तहफ़ फराम किया जाए। इस मीटिंग के अंदर आईजी पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी मौजूद थे, जबकि जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मावन खसूसी हैं और बैरिस्टर शहजाद अकबर वो भी इस मीटिंग के दौरान मौजूद थे। और आपसे चंद लम्हे बाद जो है पीटीआई पंजाब की जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है वो भी शुरू होने वाला है, जिसके लिए अराकीन यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इन अराकीन को जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर वजीर आजम एतमाद में लेंगे और हिदायत जारी करेंगे। ठीक है, हिदायत भी जारी की जाएंगी। कजाफी भट्ट हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एक रोज़ा गैर मामूली दौरे पर लाहौर आमद के हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार में वन ऑन वन मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आज़म को बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तबादलों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफ किया गया है, जबकि उस्मान बुज़दार ने स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम पर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस मौके पर आगाह किया है। वन ऑन वन मुलाकात हुई है, गैर मामूली दौरे पर लाहौर पहुंचे हुए हैं। दूसरी जानेब वजीर आजम से चीफ सेक्रेटरी आजम सुलेमान, आईजी शुएब दस्तगीर की भी मुलाकात हुई है। नए आईजी ने वजीर आजम को पुलिस रवैये में बेहतरी के लिए विजन से आगाह किया है। मजीद आपको बताते चलें कि शुएब दस्तगीर ने अमन अमान की बेहतरी के हवाले से इकदाम से भी आगाह किया। वजीर आजम के आईजी को तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर इकदाम की हिदायत की गई है। थाना कल्चर की तब्दीली के लिए सिफारिशात को अपनी शक्ल देने की हिदायत जारी की गई, जबकि वजीर आजम की चीफ सेक्रेटरी को दबाव से बालातर होकर काम करने की भी हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत का ज़राअत की तरक्की के हवाले से बड़ा इकदाम सामने आया है। किसानों को आसान शराइत पर कर्जों की फरहमी का मामला, वज़ीर आज़म आज तेज रफ्तार तरक्की और कर्जों की स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, अब किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएंगे, वो भी 30 दिन नहीं सिर्फ 3 दिन में। किसानों को 30 के बजाय अब 3 दिन में कर्जे की आसान अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। मुआहदा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और बड़े प्राइवेट बैंकों के दरमियान किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि विफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद की जानिब से ट्रेडर्स एसोसिएशन के उहदेदारों से खिताब किया गया है, जबकि उनका कहना था कि गालिब मार्केट के ताजरों के मसाइल को जल्द हल किया जाए। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तकलीफ 30,000 अरब तक कर्जा हमारे से पहले लिया गया था, उसको वापस भी करना है और अगर वापस नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे मुजमरात हैं जो कि कौम के लिए अच्छे नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि तकलीफ गुजरी है, आवाम को भी तकलीफ हुई है, महंगाई भी हुई है, लेकिन अब अल हालात जो है मईशत के वो बेहतर हो रहे हैं। कल जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो 39,000 का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर गई है और
سب سے بہترین پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ اس سارے خطے میں اور سارے ایشیا میں جو بہترین اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پاکستان کی. اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کی سارے سلسلے ہیں ان کو بہتر کیا ہے. آج ہی خبر آئی ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 8 لاکھ نئے ٹیکس پیئر جو ہے وہ شامل ہوئے جو کہ پہلے ٹیکس پیئر نہیں تھے. تو یہ بھی ایک بہتری کی طرف جائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بھی پہلے سے بہت بڑھ رہی ہیں. اور سو ہر طرف سے جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا ہے اور اب بہتری کی طرف, اور کاروبار میں جو مندی تھی ان شاء اللہ وہ کاروبار کی مندی بھی ختم ہوگی اور وہ بھی آگے اب آپ کو نظر آئے گا جس طرح یہ خرچے ہوں گے, جس طرح باقی کے ڈیمانڈ جو ہے کہ جو دکانداروں کو ایک مندہ محسوس ہو رہا تھا کہ کاروبار نہیں چل رہا, ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ کو کاروبار بھی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا اور چلتا نظر آئے گا. تو اس لیے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں قوم کے لیے جو پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال میں ہو جانا چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے. بجائے اس کے یہ کیا ساری حکومتوں نے کہ قرض لیتے رہو اور خاموش رہو, لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ قرض ادا بھی کرنے تھے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اور بہت سارے چیلنج ہیں, کبھی کوئی دھرنے پہ آ جاتا ہے, کبھی کسی چیز پہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی ان کو آپ یہ کر دیں گے, کبھی ان کو کہتے ہیں یہ کر دیں گے, یہ بھی سارے سلسلے بھی ان کی کوشش یہ ہے. وہ عمران خان نے ایک بڑی صحیح بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب. اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے, صوبائی وزیر تعلیم مراد راز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اینڈ پہ میرا اپنا گھر ہونا چاہیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ 9500 دیری صاحب جو زبردست ہے جو آپ دے رہے ہیں, 9500 لوگوں کی وہ جو ڈریم ہے جو ان کا خواب ہے وہ آج پورا ہوگا اور ان کو انشاءاللہ تعالی, اور وہ 6 سال 8 سال سے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا. سو جس نے بھی ایفرٹ کی ہے, میں میاں محمود رشید صاحب کی صحت کے لیے بڑی دعا کرنا چاہتا ہوں. میں ان سے کل ملا بھی تھا جا کے, وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں اور آئی تھنک 3-4 دن میں انشاءاللہ تعالی واپس اپنے آفس میں ہوں گے. اسپیشلی شیخ عمران بڑے اچھے میرے دوست ہیں, بڑے زبردست ہیں وہ بھی, ڈی جی ایل ڈی اے, باقی جتنے لوگوں نے ایفرٹ کیا اس کے اندر کہ آپ 9500 لوگوں کے خواب پورے کرنے کے لیے. اور میں آپ سے ضرور ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ گورنمنٹ اسکول کی جگہ آپ نے ضرور بیچ میں دینی ہے. گورنمنٹ اسکول کی جگہ میں سوچ رہا ہوں کہ جتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں بجائے کہ وہ اسکولوں کو دے دیتے ہیں جس اسکول کو انہوں نے جگہ دینی ہوتی دے دیتے ہیں, میرے خیال سے ہر سوسائٹی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم یہ لے کر آئیں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت کی ڈی جی خان کے تعلیمی اداروں کی خاتون گائیڈ اسکاؤٹ سے ملاقات ہوئی ہے. ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ کریم خاتون گائیڈ انچارج مس آسیہ طالبات موجود ہیں, جبکہ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے شرکا سے خطاب بھی کیا. کہتی ہیں تعلیم یافتہ ماں ہی مہذب معاشرے کی بنیاد رکھ سکتی ہے. ملکی ترقی میں خواتین کے بنیادی کردار پر یقین رکھتے ہیں. وزیر صحت کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنائے جا رہے ہیں, شعبہ تعلیم میں بہتری لائی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی رہنما غلام عباس کی جانب سے جاپانی کونسلر جنرل کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اس تقریب میں جاپانی کونسلر جنرل نوری اے کمرشل اتاشی مسٹر ٹوکیٹالوجی بھی شریک ہوئے. ٹیکنیکل کوآرڈینیٹر انڈس موٹر نشئی موڑا یوشیکو کی بھی تقریب میں شرکت. تقریب میں بزنس کمیونٹی اور سینئر صحافی بھی شریک ہوئے ہیں. مہمانوں کی دیسی کھانوں سے توازو کی گئی ہے, جبکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. نوری اے شیدا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے, جبکہ آٹو موٹر اور فشریز میں سرمایہ کاری کے امکانات ہیں. نوری اے شیدا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہیں. اتاشی ٹوکیٹا یو جی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, جبکہ دونوں ممالک میں سرمایہ کاری سمیت ہنرمند افراد کی صلاحیت بڑھانے پر بھی غور کیا گیا. جی بالکل, آپ کو ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ جاپانی کونسلر جنرل ہیں جن کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. تقریب میں جاپانی کونسلر اور کمرشل اتاشی نے بھی شرکت کی. آگے بڑھیں, کچھ دیگر خبریں شامل کریں. ویمن ہاکی ٹیم کی سابق کپتان نرگس خان کا ایوان وزیراعلیٰ کے باہر احتجاج, 1.5 سال سے وزیراعلیٰ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں, وقت ہی نہیں دیا جا رہا.
नरगिस खान की जानिब से इस मौके पर यह भी कहा गया है कि आज मुझे वज़ीर-ए-आज़म से मिलना है, इजाजत ना दी तो धरना दिया जाएगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, हालात खराब हैं, मुल्क के लिए खिदमत का सिरा भी नहीं दिया गया। पुलिस एहलकार खातून नरगिस खान को गाड़ी में बिठा कर ले गए। आपको बताते चलें कि वुमेन हॉकी टीम की साबिक कप्तान है नरगिस खान, जिन्होंने ऐवान वज़ीर-ए-आला के बाहर एहतजाज किया है और मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आला से मुलाकात का। आज मुझे वज़ीर-ए-आज़म से मिलना है, इजाजत ना दी गई तो धरना दूंगी, नरगिस खान की जानिब से ये भी कहा गया। बिल्कुल धरना होगा, अब तो ये भी बता दिया गया है नरगिस खान की जानिब से, आज वज़ीर-ए-आज़म से मिलना ही मिलना है, इजाजत ना दी तो धरना दूंगी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला समेत काबीना अरकान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला पंजाब को निज़ाम बेहतर करने की, गवर्नेंस निज़ाम को बेहतर करने की हिदायत भी की गई है। जबकि आपको बता रहे हैं कि अंदरूनी कहानी मंजरेआम पर आई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे लाहौर पर है, गैर मामूली दौरा है, अदम एतमाद का इजहार किया गया है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म को आखिरी वार्निंग दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला पंजाब को गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाने की हिदायत कर दी गई है। जी बिल्कुल, लास्ट वार्निंग दे दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर की ये अंदरूनी कहानी है जो कि सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला समेत काबीना अरकान को आखिरी वार्निंग दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर-ए-आला पंजाब को गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाने के हवाले से ना सिर्फ हिदायात की गई हैं बल्कि इकदाम करने का भी कहा गया है। आपको बताते चले ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में आला पैमाने पर तबादले कारकर्दगी बेहतर बनाने से ही मशरूत किए गए हैं। और आपको बताते चले कि पुलिस की कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म ने नुक्ताचीनी भी की है। इस मौका पर हिदायत जारी की गई है कि किसी भी किस्म के सियासी दबाव से बालातर होकर काम किया जाए। इसी हवाले से जानते हैं कजाफी भट्ट से। कजाफी भट्ट बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर वजीर आला ने अदम एतमाद का इजहार किया है और जो हमारे ज़राए उनका ये कहना है कि वजीर आज़म इजलास के अंदर बार बार जो है काबीना अरकान की कारकर्दगी पर जो है वो खफकी का इजहार करते रहे और उन्होंने ये कहा कि वो काबीना उनके ऑलरेडी पहले ही रेडार पर मौजूद है और जिस किस्म की उनकी कारकर्दगी है वो इसमें बेहतरी की जो है वो गुंजाइश लाएं। उन्होंने कहा कि उन्होंने वजीर आला पंजाब को जो है वो गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाने की हदायत की और उनका ये कहना था कि जो इकदाम उठाए गए हैं गुड गवर्नेंस के लिए वो नाकाफी हैं और वो जो तवक्कुआत पंजाब की टीम से कर रहे थे उस पर अभी तक टीम जो है वो पूरी नहीं उतरी है और मैं बार बार मुतनब्बे कर रहा हूँ कि कारकर्दगी जो है वो बेहतर की जाए। ब्यूरोक्रेसी के जो अरकान है उन्हें भी अब तब्दील किया गया है और मैं इस टीम से तवक्को रखूंगा कि वो आवाम की बेहतरी के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए जो है वो कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। जो वजीर आजम थे उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि जो पंजाब काबीना के लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी हैं उनकी उखाड़ पुछाड़ का मुस्तकबिल उनकी कारकर्दगी से मशरूत किया है और उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी पर भी जो है वो नुक्ता चीनी की। उनका ये कहना था कि बार बार मेरे कहने के बावजूद के पंजाब में जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाकयात बढ़ रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सका, इसके ऊपर मजबूत पॉलिसी का मैं बार बार कह रहा हूँ और वो मजबूत पॉलिसी जो है अब मैं तवक्को रख रहा हूँ कि नए आईजी जो है वो इस पॉलिसी को बनाएंगे और चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने ये हदायत जारी की कि वो सियासी दबाव से जो है वो बालातर होकर काम करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब टीम के सरबराह हैं और चीफ सेक्रेटरी जो है वो किसी किस्म के भी सियासी दबाव में ना आए, अगर कोई सियासी दबाव डालता है तो वो वज़ीर-ए-आज़म यानी कि वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर-ए-आला को जो है वो बताएं और इस पर जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी, सियासी दबाव के बगैर काम करें और पंजाब के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस जो है वो बेहतर लाई जाए। ये जो ब्यूरोक्रेसी और काबीना के अरकान के साथ मुलाकात हुई उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो बातचीत की गई। अब पीटीए की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास होगा जो काबीना के अरकान है क्योंकि वजीर आजम को इस बात की भी शिकायत की जाती थी ब्यूरोक्रेसी की जानब से कि जो पार्टी के अरकान हैं उनकी जानब से ये दबाव डाला जाता है कि उनकी मर्जी के काम किए जाएँ, तकर तबादले किए जाएं जिस पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो तंग होती है और इस पर जो है वाज़ेह हिदायत आप वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम अरकान को भी देंगे कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो दबाव ना डाला जाए क्योंकि
बहुत शुक्रिया कजाफी भट्ट, आप हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज अहम फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जबकि आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म पंजाब काबीना और ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक अहम फैसलों पर मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 5:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी आपको बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज अहम फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान 5:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नाज़रीन को बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म पंजाब काबीना और ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक अहम पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल, हम फैसले किए जाएंगे और इसी हवाले से 5:30 पर न्यूज कॉन्फ्रेंस की जाएगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, और वज़ीर आज़म पंजाब काबीना ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक अहम फैसलों पर मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। ना सिर्फ ब्रीफ करेंगे बल्कि आपको बताते चलेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान 5:30 पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करें। एक बार फिर कजाफी भट्ट से बात करें। कजाफी भट्ट, जैसा कि आपने देखा कि अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है कारकर्दगी पर, तो आज वजीर रेलवे शेख रशीद भी यही कह रहे थे कि अब काम सीख गए हैं बुज़दार साहब तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल जी, शेख रशीद के बयान को जो है वो किसी भी तरह उसकी नफी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जो बात कर रहे होते हैं, चूंकि उनके बराह रास्त जो हैं वो ऐवान वजीर आला के साथ रबते हैं और वो बाखबर वजीर हैं, उन्होंने जो कहा दुरुस्त कहा, क्योंकि पंजाब की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी अरसे से उसके ऊपर वजीर आजम की जानिब से नुकता चीनी बार बार की जाती रही है, और वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, खुद पी टी आई के हल्कों की जानिब से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है कि टीम का जो लीडर है वो सही काम नहीं कर रहा, और यही चीज जो है आज भी काम जो मीटिंग हुई उसके अंदर डिस्कस हुई, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि टीम का जो लीडर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज आखिरी वार्निंग जो है वो दी गई है, और अगर अब भी टीम ने अच्छा काम ना किया तो फिर बड़ी तब्दीली जो है वो मुतवक्को होगी। ठीक है, बड़ी तब्दीली मुतवक्को होगी। कज़ाफी भट्ट हमें तफसीलात से आ कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कुछ लाल मिर्चों की बात कर लेते हैं। अकबरी मंडी में सुर्ख मिर्च की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। सुर्ख मिर्च 75 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो गई है। मजीद आपको बताते चलें कि सुर्ख मिर्च की कीमत 475 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। इसी हवाले से जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम शहर की अकबरी मंडी में मौजूद हैं, और शहर की अकबरी मंडी से खबर ये है कि सुर्ख मिर्च की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के चेहरों को भी सुर्ख कर दिया है, क्योंकि आज शहर की अकबरी मंडी के अंदर सुर्ख मिर्च की कीमत में 75 रुपये का मजीद इजाफा देखा गया है, जिसके बाद अब अकबरी मंडी में सुर्ख मिर्च की नई कीमत 475 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही है। गुज़श्ता 3 रोज़ की अगर बात करें तो गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान सुर्ख मिर्च की कीमत में 150 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई। ज़िले इंतज़ामिया ने सिर्फ एक सरकारी नरखनामा जो है वो ज़रूर जारी किया है, जिस पर सुर्ख मिर्च की कीमत 325 रुपये फी किलोग्राम मुतय्यन की गई है, लेकिन शायद ज़िले इंतज़ामिया के नोटिस में ये बात नहीं है कि अकबरी मंडी के अंदर सुर्ख मिर्च की कीमत किस हद तक बढ़ चुकी है। तो गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान अगर मजमूनी तौर पर बात करें तो 150 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है, और अगर हम आज की सिर्फ बात करें तो आज के रोज़ ही सुर्ख मिर्च की कीमत में 75 रुपये का मजीद इजाफा देखा गया है, जिसके बाद अब सुर्ख मिर्च 475 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से अकबरी मंडी के अंदर फरोख्त हो रही है। आपको बताते चले इस हवाले से जो सुर्ख मिर्च का कारोबार करने वाले ताजरान हैं उनका ये कहना है कि रवा साल सिर्फ 30% सुर्ख मिर्च की फसल जो है वो मुल्क के अंदर पैदा हुई, यानी 70% जो किल्लत है सुर्ख मिर्च की वो मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और कमर्शियल बैंकों के दरमियान माहिदे की तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसलिए कि ये जो आज आपने कदम उठाया इससे पाकिस्तान के उस तबके को फायदा है जो पाकिस्तान में उसको जब उठाएंगे तो गुर्बत कम होगी। जो अभी स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट ने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिविलाइज्ड माशरे में, महजब माशरे में कभी भी अमीर और गरीब में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। एक ह्यूमेन माशरा जिसमें इंसानियत है उसकी खासियत ये होती है कि वो पूरा माशरा कोशिश करता है वो लोग जो
पीछे रह गए हैं दुनिया की रेस में, उनको उठाए। ये हमारी सबको याद रखना चाहिए कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मदीना की रियासत उनकी सुन्नत है, और उस रियासत में सबसे पहले जिम्मेदारी ली थी रियासत ने अपने निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। और आज हम जो चाइना को उसकी तरफ देखते हैं और उसको एडमायर करते हैं, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को 30 सालों में गुर्बत से निकाला है। और ये ऐसे नहीं निकले, ये एक रियासत ने फैसला किया कि हमने अब अपने निचले तबके को ऊपर उठाना है, और उन्होंने वही अपने किसानों की मदद की। वहां भी बड़ी गुर्बत थी, क्योंकि छोटे लोगों के लिए पाकिस्तान में छोटे किसानों के लिए कर्जा लेना अजाब है, नामुमकिन रहा। और जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो पीछे रह गई है हमारे मुल्क जो रोजगारती है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कर्जा लेना। तो ये बिगिनिंग है और ये जबरदस्त काम है, और मैं बड़ा खुश होता हूं जबकि मैं पाकिस्तान में उस तरह की सोच देखता हूं जो अपने मुल्क के अंदर लोगों को गुर्बत से निकालने की कोशिश करती है। हमने सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल वक्त में एहसास प्रोग्राम, ये जो एहसास प्रोग्राम है जो गुर्बत कम करने के लिए पॉवर्टी एलिमिनेशन का, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तकरीबन 200 अरब रुपया हम इस मुश्किल वक्त में इस प्रोग्राम पे लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हर किस्म का जो ज़कात है, जो बैतुल माल है, इन सब का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक पूरा डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं, और उस डेटाबेस के जरिए फिर हम फैसला करेंगे कि सारी एक कोऑर्डिनेशन से सारा जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी जो काम कर रहा है गरीबों के लिए, उन सबको एक कंट्रोल करके और एक मुल्क एहसास प्रोग्राम के जरिए, डेटाबेस के जरिए फिर हम ये इंशाल्लाह हर किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो गरीब लोग हैं, गरीब औरतें हैं, उनको कैसे ऊपर उठाना है, जो पुराना प्रोग्राम था कैश हैंडआउट्स का, उसको आगे कैसे ग्रेजुएट करना है, बेहतर करना है, ये एक वो पूरा प्रोग्राम बना और वो लॉन्च, कर्जे नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे, और ये पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि पहले हम जो डेटाबेस है उसको ठीक करें, क्योंकि पहले हमने जो स्टडी किए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब करें, उनका कहना है कि छोटे किसानों के लिए कर्जा एक अहम इकदाम है।